गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है और किसी भी तरीके से स्टडी में हमारे द्वारा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 14 पर हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, बादल का निर्माण कैसे होता है वो मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे रेन की, टॉपिक भी लिख रहा है वर्षा। बरसात नाम भी पता है, आप लोग वर्षा में, बरसात आती है तो आप लोग नहाए भी होंगे। कितना मज़ा आता है बरसात के दिनों में, गर्मी के जब बाद जब बरसात आती है उसमें हम हल्की हल्की बूंदें आती है और उसमें हम नहाते हैं, कितना अच्छा लगता है नहाते हुए। लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है आखिरकार बरसात आ कहाँ से रही, ऊपर पानी ऊपर आया कहाँ से। ठीक है, हम नहाते हैं, बहुत मज़ा आता है बरसात में, भींगते भी हैं बरसात के दौरान, बहुत मज़ा आता है बरसात में नहाने में। ठीक है, लेकिन आज हम जानेंगे कि वर्षा होती कैसे है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आइए इसके लिए पेज नंबर 249 निकालिएगा। यू मस्ट हैव सीन दैट मैनी ए टाइम क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई। आपने देखा होगा बस, पेज नंबर 249 निकाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, और ये आपका चैप्टर नंबर 14 चल रहा है। तो आपने देखा होगा बरसात आसमान में आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे, बट डो नॉट केव्स रेन, लेकिन बरसात नहीं होती है। यू आल्सो नाउ क्लाउड्स आर द कलेक्शन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वाटर फ्लोटिंग इन एयर। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक बादल क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं, ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। कई सारे बादल मिलकर एक बिग क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। समटाइम्स दीज टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अंडर सुटेबल कंडीशन कम टूगेदर टू फॉर्म लार्ज साइज ड्रॉप ऑफ वाटर। द लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर आर वेरी एनफ एंड द एयर कैन नॉट होल्ड देम, दस दे फॉल ड्रॉप टू वॉश द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। ये बड़े बादल मिलकर, लार्ज क्लाउड्स मिलकर बड़े हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं वेट में। जब ये हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स, बहुत वेट हो जाता है इनमें, तो ये ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आ जाते हैं। दस द फॉल टू वॉश द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में बरसात में ये आते हैं। द फेलिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लाउड्स इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। इससे आप प्रिसिपिटेशन मीन्स अवक्षेपण। Sometimes the raindrops freeze while falling towards the earth. कभी कभी आपने देखा होगा जो ठंड वाले प्रदेश होते हैं, जो ठंड वाले रीजन, कोल्ड रीजन्स होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ पर बर्फ की छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, आइस क्यूब्स वगैरह वगैरह स्नोफॉल होती है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो पानी वो क्या होती है, वाटर वो फ्रीजिंग हो जाता है, जम जाता है। सच है, प्रिसिपिटेशन इज कॉल्ड फ्रोजन स्टेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट पेज, द मेन रीजन ऑफ प्रिसिपिटेशन इज दैट क्लाउड्स कूल ऑफ द हैपन्स इन टू वेज। पानी का अवक्षेपण दो कारणों से होता है। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, द क्लाउड्स राइज हायर इन द एटमोस्फेयर बिकॉज दे आर वार्मर एंड लाइटर देन द सराउंडिंग एयर। क्या समझे कि एक तो सराउंडिंग एयर हवा का, देखो द क्लाउड राइज हायर इन द एटमोस्फेयर बिकॉज दे आर वार्मर एंड लाइटर देन द सराउंडिंग एयर। देखो जहाँ पर हवाएं गर्म, गर्मी के दिनों में हवाएं गर्म होती है, तो हवा जो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ राइज अप करती है, ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट, द क्लाउड्स द हायर वाइल गेटिंग ओवर हायर माउंटेन्स। और फिर वो बर्फ, सॉरी बर्फ नहीं, क्लाउड्स, उन बादलों पर उन गर्म हवाओं का प्रेशर पड़ता है, फिर वो जो क्लाउड्स हैं वो कोल्ड रीजन की तरफ जाते हैं। एंड लास्ट, इन द आइदर केस ऑन कूलिंग द प्रिसिपिटेशन टेक प्लेस रैपिडली हेंस रेनफॉल ऑक्यूर्स। इसी के कारण ठंड वाले प्रदेशों में जब बरसात होती है ना, तो फ्रोजन वाटर मतलब पानी जम जाता है और स्नोफॉल के रूप में वो बरसात होती है, बूंदों के रूप में नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। रेन के बारे में मैंने आपको बताया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको वाटर साइकिल के बारे में बताऊंगा, आखिरकार वाटर साइकिल होता क्या है, वाटर साइकिल में क्या प्रोसेस होता है। हालांकि आपने फिफ्थ क्लास में भी सुना होगा हल्का फुल्का, मैं डिटेल से आपको वाटर साइकिल के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।